तो अपन लास्ट वीडियो में कवर किया था अपन ने ना प्रोडक्ट्स कैसे कैसे अपलोड करने हैं, उसके वेरिएंट्स कैसे करने हैं। ठीक है, अब अगर अपन ने एक वेबसाइट बना दी है, उसका पेज बना दिया है, इसके अंदर जैसे अपन मार्केटिंग कोर्सेज कर रहे हैं तो उसमें इमेज नहीं डाली लेकिन प्रोडक्ट का सब आ गया है। ठीक है, लेकिन अब अगर अपन चेकआउट पे जाते हैं इस पे, ठीक है, जैसे बाय इट नाउ पे क्लिक करते हैं, मैं लाइव वेबसाइट पर आपको दिखाता हूँ उसका प्रोसेस कैसे काम करेगा। जब आप कस्टमाइजेशन पे जाओगे तो उसमें चेकआउट पेज पे अपने वो किस तरीके से ना कूपन कोड्स लगाने थे, तो हम डिस्काउंट्स में आज सीखेंगे ना, डिस्काउंट अगर अपन कोई रन करते हैं किसी प्रोडक्ट पे तो उसके डिस्काउंट्स कैसे एक्टिव काम करते हैं। तो हम कस्टमाइजेशन पे जाएंगे, कस्टमाइजेशन पे टॉप पे जो बाहर आ रही है यहाँ पे होम पेज की जगह पे हमको लेना है चेकआउट। ठीक है, चेकआउट पेज पे हम कूपन कैसे क्रिएट करना है और लाइव कूपन है ना वो अपडेट कैसे होगा, कि अगर कोई डिस्काउंट्स दे रहे हैं अपन किसी को भी तो डिस्काउंट कैसे शो करेगा वो। ठीक है, तो अभी इसके अंदर आप डिस्काउंट पे जाओगे, यहाँ पे क्रिएट डिस्काउंट करोगे तो अब इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी। सेलेक्ट डिस्काउंट टाइप, इसमें बता रहा है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिस्काउंट, तो प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना है, ऑर्डर पे डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ ऑर्डर मतलब कि अगर 100 100 रुपए की अगर 10 प्रोडक्ट है और वो 10 ले रहा है तो आपको हिसाब अमाउंट पे देना है डिस्काउंट। मिनिमम 1,000 रुपए की शॉपिंग करोगे तो इतना डिस्काउंट है, तो वो उसके लिए ये डिस्काउंट कोड है। अगर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हो कि किसी प्रोडक्ट का अमाउंट है उस पर डिस्काउंट दे रहे हो तो वो होगा। फिर आता है बाई एक्स गेट वाई प्रोडक्ट डिस्काउंट, ये भी प्रोडक्ट के एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट होगा। ये उस पर भी सिलेक्शन कर सकते हो कितने प्रोडक्ट, तो हम चारों स्टेप देखेंगे इसमें चारों कैसे कैसे करती है। तो बाई एक्स गेट वाई मतलब ये कि कोई आप एक एक्स को खरीद रहे हो तो वाई पे डिस्काउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है फ्री शिपिंग, तो आप फ्री कोई प्रोडक्ट है अगर आप उसको फिजिकल डिलीवर कर रहे हो तो आप शिपिंग पे कितना डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, तो डिस्काउंट कैसे काम करता है, तो हम फर्स्ट देखेंगे अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट डिस्काउंट। जब इस पर क्लिक करेंगे कि इंटरफेस खुल जाएगा, क्रिएट प्रोडक्ट डिस्काउंट मतलब कि एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उस पर डिस्काउंट दे रहे हो अगर आप, तो उस पर ना एक तो आता है डिस्काउंट कोड से डिस्काउंट दे रहे हो या ऑटोमेटिक मतलब कि ऑटोमेटिक उस पर डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम डिस्काउंट कोड किसी को दे के जिसे ईमेल्स करते हैं मार्केटिंग के लिए कि ये डिस्काउंट कोड आप यूज करोगे तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, तो आप उसका कोड बना सकते हो। जैसे कि अगर आप फ्लैट 20% ऑफ दे रहे हो तो आप फ्लैट 20% ऑफ, या आपने डिस्काउंट बना लिया। ठीक है, अगर आप कोई जनरेट करके कोड देना चाहते हो तो आप जनरेट कोड करोगे तो ऑटोमेटिक ही हर सेकंड का नया नया जनरेट कोड बना देगा। लेकिन आपको स्पेसिफिक रखना है आपकी वेबसाइट के लिए, तो मैं रख रहा हूँ जैसे फ्लैट 20% ऑफ। ठीक है, ये रख दिया, उसके बाद आप वैल्यू कैसे देना चाहते हो, डिस्काउंट परसेंटेज में या फिक्स अमाउंट कितना डिस्काउंट देना चाहते हो। तो अगर आपका कोई अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं तो अलग अलग प्राइस होगी उसकी, कोई 500 रुपये का होगा, कोई 500 रुपये का, कोई 1,000 रुपये का। तो अगर अमाउंट में आप उसमें नहीं दे सकते हो, ठीक है, अमाउंट में दोगे तो स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट पे दे रहे हो तो आप फिक्स अमाउंट का दे सकते हो कि 100 रुपये प्रोडक्ट पे मैं 10 रुपये डिस्काउंट दे रही हूँ। ठीक है, आप परसेंटेज पे करोगे तो परसेंटेज में जैसे मैंने 10 10% डिस्काउंट ही चला रहा हूँ। अब स्पेसिफिक किसी कलेक्शन पे आप डिस्काउंट दे रहे हो तो यहाँ से कलेक्शन चूज करने का आ जाएगा, सर्च कलेक्शन। आप यहाँ से ब्राउज करोगे आपके जो भी कलेक्शन बने तो आप उस कलेक्शन को सेलेक्ट करोगे, ऐड कर दोगे तो कलेक्शन ऐड हो जाएगा। तो आप स्पेसिफिक कलेक्शन पे दे रहे हो तो आपको क्या है, ब्राउज करके आपको एक कलेक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 50+ कलेक्शन है, 100+ कलेक्शन है तो आपको कलेक्शन पे देना है। हाँ, आप कलेक्शन पे नहीं देना चाह रहे हो स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट करोगे, फिर ब्राउज पे करोगे तो सारे आपके प्रोडक्ट्स आ जाएंगे, आप कौन कौन से प्रोडक्ट पे देना चाह रहे हो। ठीक है, तो हम जैसे अमेजोन मार्केटिंग वाला जो है, या फिर हम ले लेते हैं एक जो अपन ने बनाया था ग्राफिक डिजाइन कोर्स, इसके ऊपर गए हम लोग और इसको ऐड कर दिया। हम सिर्फ इसी पे एक प्रोडक्ट पे ही स्पेसिफिक डिस्काउंट दे रहे 10% का, तो इसी प्रोडक्ट पे ही डिस्काउंट अप्लाई हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट, मतलब मिनिमम कुछ अमाउंट होना चाहिए कि उतना अमाउंट होगा तो ही इसमें भी, जैसे आपने ये वाला कोर्स का बनाया है इसके अंदर भी अगर आपने अलग अलग प्राइजेस दी हुई है कि 7 डेज का, 15 डेज का, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, ठीक है, तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू होनी चाहिए। 1 मंथ का आप अगर कोई सर्विस दे रहे हो वो 100 रुपये की दे रहे हो और 5 मंथ की दे रहे हो 500 रुपये की दे रहे हो, तो अगर मिनिमम आप परचेज वैल्यू डाल दोगे यहाँ पे डाल दोगे 300, तो 100 रुपये वाला जो है ना कोर्स उस पर कूपन लगेगा ही नहीं, उससे ग्रेटर देन है तो ही कोर्स लगेगा। ठीक है, और नो मिनिमम रिक्वायरमेंट डालोगे तो जितने भी आप सर्विसेज दे रहे हो उन सब पे 10% डिस्काउंट अप्लाई होगा, बिल्कुल जो भी अमाउंट हो। फिर आ रहा है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम, जैसे अगर एक प्रोडक्ट अगर जैसे आपने यहाँ पे डाल दिया 3 प्रोडक्ट, कम से कम वो मिनिमम 3 प्रोडक्ट खरीदेगा तो ही 10% डिस्काउंट अप्लाई होगा।
अगर वो एक, अगर यहाँ पे डाल दोगे एक मिनिमम तो एक हो जाएगा, यहाँ पे डाल दोगे आप 10 तो 10 प्रोडक्ट खरीदेगा तो ही 10% डिस्काउंट है, वरना नहीं है। तो हम इसमें डाल रहे हैं नो मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है। फिर आ रही है कस्टमर एलिजिबिलिटी, सब कस्टमर को देना है आपको ये डिस्काउंट। स्पेसिफिक कस्टमर सेगमेंट है, अब सेगमेंट कैसे हो जाता है, जैसे आप इसको ब्राउज पे करोगे तो आपका कस्टमर डेटा खुलेगा, कस्टमर्स हु हैव नॉट परचेज, जिसने परचेज नहीं किया लेकिन आपके यहाँ पे उसका सब्सक्राइब कर रखा है, तो उसकी ईमेल आईडी, तो उसको देना है। कस्टमर हु परचेज मोर देन वंस, मतलब एक ऑर्डर दिया है या उससे ज्यादा ऑर्डर पहले दिए, उसको देना है। फिर दे रहा है अबेंडॉन चेकआउट इन द लास्ट 30 डेज, मतलब किसी ने चेकआउट पे किया है एड लेकिन उससे परचेज नहीं किया, उसी को देना है। या फिर ईमेल सब्सक्राइबर, जितने भी कस्टमर है जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, अब सब्सक्राइबर में सब आ जाएंगे, आपके परचेज किया वो भी, एक ऑर्डर किया वो भी, फिर चेकआउट पे जो गया वो भी, जिस कस्टमर ने एक ऑर्डर किया या 100 ऑर्डर किए, सारे कस्टमर आ जाएंगे ईमेल सब्सक्राइब। तो आप किसको देना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो स्पेसिफिक आपको करना है तो उसका ब्राउजर खुलेगा, फिर स्पेसिफिक और कस्टमर्स को करना है आप चाहोगे, यहाँ पे जितने कस्टमर ईमेल्स ऐड हो जाएंगे उतने कस्टमर की सारी लिस्ट दे देगा, जिसने सब्सक्राइब किए वो सारे कस्टमर की लिस्ट दे देगा। स्पेसिफिक उन्हीं कस्टमर को आपको देना है, तो यहाँ से चूज करोगे ऐड हो जाएंगे। हाँ, हम अगर अगर सबको रखना चाहते हैं तो ऑल कस्टमर्स, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया कस्टमर एलिजिबिलिटी का। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस, कि आप ये डिस्काउंट कोड जो आपने बनाया है टॉप में फ्लैट 20% ऑफ, इसको आप कितना यूजेस देना चाहते हो। यहाँ लिखा है इसको चेकआउट करोगे तो लिमिट नंबर ऑफ टाइम्स द डिस्काउंट कैन बी यूज्ड इन टोटल, ठीक है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स है ना वो यूज कर सकता है एक स्पेसिफिक कस्टमर है तो, ठीक है। फिर नीचे आ जाता है लिमिट टू वन यूज पर कस्टमर, मतलब कि ये कोड को सिर्फ एक एक जो कस्टमर है वो एक ही बार यूज कर सकता है, सेकेंड बार वो यूज करने जाएगा तो यूज ही नहीं होगा, है ना। हाँ, तो इस तरीके का अगर करना है तो आप इसको क्लिक कर दो। जैसे हम इसको करना चाहते हैं हमारा जो कोर्स है वो एक ही टाइम यूज करे कस्टमर, सेकेंड टाइम वापस अगर वो किसी के घर में भी यूज कर रहा है तो सेकेंड टाइम यूज नहीं कर सकता है डिस्काउंट कोड, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आ रहा है कॉम्बिनेशंस, फ्लैट 20% कैन बी कॉम्बाइंड विद अदर प्रोडक्ट डिस्काउंट्स, कोई अदर प्रोडक्ट से उनका आप डिस्काउंट से उस पर भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो कि उस पर भी ये ऑफर लगे तो उसको कर सकते हो। फिर आ रहे हो शिपिंग डिस्काउंट, अगर कोई शिपिंग पे डिस्काउंट है, शिपिंग कॉस्ट भी ले रहे हो तो उस पर भी डिस्काउंट ये लग जाए, तो उसके लिए तो आप उसको क्लिक कर सकते हो। अपन ना शिपिंग दे रहे ना है ना अपन अदर प्रोडक्ट पे कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाता है एक्टिव डेट, आप किस दिन से ये डिस्काउंट कोड को एक्टिव करना चाहते हो। अगर जैसे अपन 1 अगस्त को अपन ओपनिंग का प्लान है, ठीक है, अगर अपन आज की डेट से इसको एक्टिव रखेंगे तो अपन एंड एंड इसकी स्टार्ट टाइमिंग डाल देंगे आज कितनी बजे से होगा। फिर अगर आप इसको एंड डेट सेलेक्ट नहीं करोगे तो ये कूपन हमेशा के लिए एक्टिव रहेगा जब तक आप उसको डिस्कंटिन्यू नहीं करते। तो आप इसको क्या करोगे, सेट एंड डेट, जब सेट एंड डेट करोगे, जैसे अपन ने प्लान किया हुआ है 31 जुलाई को हम लोग ये डिस्काउंट जो दे रहे हैं 31 जुलाई तक ही वैलिड है, 11:59 रात को, तो ये डिस्काउंट जैसे अभी अपन ना 50% चला रहे हैं अपने कोर्स पे, ठीक है, 50% ऑफ, यहाँ पे उसका नाम भी फिर 50 रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, परसेंटेज में, फिर स्पेसिफिक इस प्रोडक्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको 31 तक 50% डिस्काउंट दे रहे हो, आज से लगा के अभी टाइम हो रहा है 11:38 AM हो रहे हो, ठीक है, तो ये 26 तारीख करी 26 तारीख, तो मैं इसको टाइमिंग डाल दूंगा AM में 11 बजे का, ठीक है, अभी 11:00 कंटिन्यू हो गया है 40 मिनट्स, ठीक है, तो अभी का टाइम मैंने डाल दूंगा ताकि अभी से एक्टिव हो जाएगा। ये सारी डिटेल्स अपडेट होने के बाद में आप देख लोगे यहाँ पे समरी दे देगा, है अच्छा आपने डिस्काउंट कोड क्या यूज किया है, टाइप ऑफ मेथड क्या यूज किए, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कोड कौन सा यूज कर रहे हो आप जनरेट, फिर डिटेल्स, और ऑनलाइन स्टोर कर रहे हो, 50% ऑफ दे रहे हो, किस कोर्स पे ऑफ दे रहे हो उसकी डिटेल आ गई, नो मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट, ठीक है, ऑल कस्टमर्स के लिए दे रहे हैं, वंस यूजर पर कस्टमर कांट कंबाइंड विद अदर डिस्काउंट्स, ठीक है, कोई और भी डिस्काउंट चला रहे हैं उसके साथ कंबाइन तो नहीं करना है इसको। फिर एक्टिव फ्रॉम टुडे अंटिल जुलाई 31, ठीक है, डिस्काउंट इज नॉट एक्टिव येट, ठीक है। फिर नीचे पॉइंट ऑफ सेल पे भी करना है कि, तो पॉइंट ऑफ सेल पे भी हमेशा जो भी आप सेल्स चैनल है ना उनको आप सेलेक्ट रखो ताकि वहां सब पे डिस्काउंट अप्लाई हो जाए। फिर इसको आप कर दोगे सेव, जैसे ही आप सेव करोगे सक्सेसफुली सेव हो जाएगा, आप डिस्काउंट वाले सेक्शन पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपका एक और डिस्काउंट कोड बन गया है, फ्लैट 50% इसकी डिटेल बता रहा है और शेड्यूल बता रहा है, ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, जैसे ही एक्टिव में दिखाने लग जाएगा फिर ये कोड को आप यूज कर सकते हो,
ठीक है, अब हम हमारी जो लाइव वेबसाइट है उसको खोलते हैं। खोल के हम उसी वाले प्रोडक्ट पे जाते हैं। तो मैंने सारे प्रोडक्ट अभी इसी पे कर रखे हैं, हमने इस वाले प्रोडक्ट पे लगाया था, ग्राफिक डिजाइन कोर्स वाले पे। जब आप इसको खोलोगे, ओपन करोगे, ऐड टू कार्ट करोगे, ऐड टू कार्ट करने के बाद में व्यू कार्ड देखोगे आप, आपको कौन सा ऐड है, ये ऐड आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जब आप चेकआउट पे जाओगे, यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन है तो अपन इंस्ट्रक्शन बॉक्स एक्टिव कर रखा है अभी अपन ने थीम में से, इसलिए यहाँ इंस्ट्रक्शन बॉक्स आ रहा है। फिर जब हम चेकआउट पे जाएंगे तो आप चेकआउट पे देखोगे अभी है ना, ये नहीं आ रहा है और ये आउट ऑफ स्टॉक भी दिखा रहा है। तो हमको यहाँ पे पहले तो इसका प्रोडक्ट जो है इसके अंदर इन्वेंट्री पे जाना पड़ेगा। इन्वेंट्री पे जाके पहले इसको स्टॉक अपडेट करना पड़ेगा, यहाँ पे जीरो आ रहा है। तो हम इसको स्टॉक पे जाएंगे, डिजिटल सर्विसेज में आपको स्टॉक मेंटेन करना होगा। बिल्कुल, उसमें अगर आप क्वांटिटी नहीं डालोगे तो वो परचेज नहीं हो पाएंगे। ठीक अगर है, हमारे पास भी सीट्स हैं तो सीट पे हाँ, डालना जितनी सीट से तो अपन उतना डाल सकते हैं। इसमें अवेलेबल आ रहा है, ये आ रहा है, यहाँ पे मैंने डाल दिया वन और इसको कर दिया सेव। तो आप देखोगे ऑन हैंड भी वन हो गया, वो ऑटोमेटिक, मतलब आपके हैंड में एक है। ठीक है, अब आप इस पे जाओगे आपकी वेबसाइट पे, यहाँ से वापस बैक गए आप। ठीक है, वन क्वांटिटी है, चेकआउट करोगे अभी भी आउट ऑफ ही आ रहा है, सोल्ड आउट बता रहा है। पीएचपी करके इसमें नहीं, इसमें कोई प्रोडक्ट है वो दो बता रहा है। आप ग्राफिक डिजाइन वाले पे जाओगे, यहाँ जाके फिर से आप इसको रिफ्रेश करोगे, न्यू पेज खोला, क्वांटिटी वन, ऐड टू कार्ट, क्वांटिटी हो गई वन, व्यू कार्ट पे जाओगे आप, चेकआउट पे जाओगे, प्राइस दिखा रहा है, एस्टिमेट, टैक्सेस। अब टैक्सेस कहाँ से आ रहा है अपना? ठीक है, टैक्सेस कहाँ से आ रहा था, मैंने वहाँ पे कंटिन्यू क्लिक किया तो आपकी सारी डिटेल्स आ गई। ठीक है, अभी उसका चेकआउट का अपन ने वो सेटअप नहीं बनाया है पूरा, इसलिए वहाँ पे कंटिन्यू का आ रहा था। तो यहाँ पे आप ईमेल डालोगे, कस्टमर की जो भी डिटेल है वो डालेंगे, सेव इन्फॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट टाइम, अगर और कोई कोर्सेज लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, सेव कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो डिस्काउंट कोड एक्टिव हो गया। ठीक है, कोड एक्टिव हो गया तो आप डिस्काउंट कोड में जाओगे, जब डिस्काउंट्स में जाओगे कोर्स देखोगे तो दो के कोर्स आ रहे हैं, फ्लैट 50% ऑफ और आ रहा है फ्लैट 20, HRY 20, दो कोड बना रखे हैं। तो आप जब चेकआउट पे आओगे, चेकआउट पे आने के बाद में आप उस कोड को यहाँ पे टाइप करोगे या फिर कॉपी पेस्ट करोगे, फ्लैट 20% ऑफ, और अभी आप देखोगे 60,000 रुपीज बता रहा है, 59.999, और टैक्सेस हमने अप्लाई कर रखे इसलिए टैक्सेस दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे टैक्सेस की इन्फॉर्मेशन दे देगा, 65,000 का अभी कोर्स हो रहा है। ठीक है, अब जब हम अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये कैलकुलेटिंग करेगा, अभी ये बता रहा है एंटर ए वैलिड डिस्काउंट कोड, एरर बता रहा है, अभी ये डिस्काउंट कोड अप्लाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखोगे आप शेड्यूल दिखा रहा है, इसलिए ये एक्टिव नहीं हुआ है। जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तो आप है ना, अभी मैंने पहले जो बना रखा है वो एक्टिव बता रहा है, HRY 20। जब मैं ये कोड डालूंगा इसके ऊपर और अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने पे देखो HRY 20 अप्लाई हो गया है और आपका डिस्काउंट लगने के बाद में 20% डिस्काउंट उस पर अप्लाई हो गया, तो आपका 52,000 इसकी कॉस्ट वैल्यू होगी। अभी वो शेड्यूल बता रहा है, जैसे ही 12 बजे की शेड्यूल खत्म हो जाएगा इस वाले का, जैसे शेड्यूल हो जाएगा उसके बाद में आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम देखते हैं इसको, अगर एक्टिव एक्टिव डिस्काउंट कोड, यहाँ से हम एक्टिव कर रहे हैं, ये आप देखो ग्रीन में आ गया एक्टिव। अब इस डिस्काउंट कोड को हम जब लगाएंगे यहाँ पे तो ये डिस्काउंट कोड भी काम करने लग जाएगा। इसका कोड है फ्लैट 50% ऑफ, वहां एक्टिव किया, यहाँ एक्टिव हो गया। उसके बाद में जब तक यहाँ पे शेड्यूल दिखाएगा आपका डिस्काउंट कोड, तब तक है ना आपका एक्टिव नहीं बचेगा, तो आपको उसको एक्टिव करना पड़ेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक डिस्काउंट कर देगा। तो आपकी जो कॉस्ट थी 60,000, उससे 50% डिस्काउंट कर दिया, उससे 30,000 कर दिया और उस पर टैक्स लगा दिया, तो 30,000 पे टैक्स लग रहा है। आप देखो तो अभी टैक्स वैल्यू आ गई है 2,700 रुपये। अगर आप डिस्काउंट कोड हटाओगे फिर कैलकुलेटिंग करेगा, टैक्स कोड आ रही है क्योंकि जो आपकी कॉस्ट होगी उस पर डिस्काउंट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसके डिस्काउंट कोड बनते हैं। अब नेक्स्ट डिस्काउंट हम एक और क्रिएट करके देखते हैं, क्रिएट किया, इसमें आ रहा है अमाउंट ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर डिस्काउंट, इसके ऊपर जाओगे, इसका इंटरफेस थोड़ा सा अलग आएगा। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, क्रिएट ऑर्डर डिस्काउंट, इसमें आ रहा है डिस्काउंट कोड और दूसरा आ रहा है ऑटोमेटिक डिस्काउंट। अगर आप कोई ऑटोमेटिक डिस्काउंट देना चाहते हो तो आप यहाँ पे उसका टाइटल दे सकते हो, किस तरीके का डिस्काउंट दे रहे हो। ठीक है, जैसे मैं दे देता हूँ फ्लैट 70% ऑफ, ये मैंने टाइटल दिया है। ठीक है,
अब मैंने इसमें परसेंटेज किया, परसेंटेज पे मैं डाल दूंगा 70, यहाँ पे हम 70% का मार्क भी लगा देते हैं, ठीक है। तो अपना क्या है, समरी बता रहा है इसमें फ्लैट 50% डिस्काउंट जो है वो आपका टाइटल है, 70% ऑफ दे रहे हो आप। अवेलेबिलिटी क्या है, तो इसमें लिखा रहा है दिस डिस्काउंट इज ऑटोमेटिकली अप्लाई ऑन ऑल सेल्स चैनल, तो ये ऑटोमेटिक होगा, ठीक है। ऑल्सो ऑफर ऑन पॉइंट ऑफ सेल POS प्रो लोकेशन ओनली, पॉइंट ऑफ सेल ऑन कर दिया। उसके बाद क्या, मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट, तो इसमें आ रही है मिनिमम एक परचेज रिक्वायरमेंट डालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना ही पड़ेगा आपको। इसमें आ रहा है मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम, तो हम क्वांटिटी ऑफ आइटम एक कर देते, ठीक है। फिर ये आ रहा है कंबाइंड ऑप्शन। अब हम देखो फ्लैट 50% ऑफ का जो डिस्काउंट बना रखा था, ठीक है, ऊपर जो बनाया है फ्लैट 50% ऑफ, उसको कंबाइंड करना है, अगर शिपिंग में भी डिस्काउंट देना है तो शिपिंग में ऑन कर देंगे, हम शिपिंग में नहीं दे रहे तो उसको नहीं करेंगे, ठीक है। फिर वापस आगे आपकी वही सेम प्रोसेस है, डेट क्या डालनी है आपको, तो एक्टिवेट डेट हो गई, उसके बाद आपका टाइमिंग है, तो आप टाइमिंग डाल दोगे जो भी आपका अभी टाइमिंग हो रहा है। तो मैंने अभी टाइमिंग डाल दिया है 12 o'clock का। एंड डेट डालनी है तो एंड डेट डालो, नहीं डालनी है तो आप मत डालो, ठीक है। आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे बता देगा, ठीक है। बताने के बाद इसको आप सेव करोगे, सेम प्रोसेस हो जाएगा, सेव हो गया आपका। आप बैक आओगे, वापस डिस्काउंट पे जाओगे, तो आप देखोगे ये शेड्यूल में बता रहा है, तो शेड्यूल के एरो पे का आप क्लिक करोगे, आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद में ये सिलेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे दो आएगा, या तो डीएक्टिवेट डिस्काउंट करो या फिर एक्टिवेट, तो आप इससे एक्टिवेट करोगे तो आप देखोगे ये एक्टिवेट हो गया आपका, ठीक है। अब आपने इसका जो अमाउंट रखा है वो रखा है फ्लैट 70% ऑफ, है ना। तो अब इसको कैसे देखेंगे हम लोग, इसको हम जाएंगे वापस हमारी वेबसाइट पे, वेबसाइट पे जाके जो भी हमारे प्रोडक्ट्स डाले हैं, सर्विसेज डाली है, उस पर जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे ये डिस्काउंट आ गया है, पहले हमने क्या है 1,20,000 की प्राइस रखी हुई थी, 59 शायद ऑलरेडी हमने डिस्काउंट दिया, 70% वाला डिस्काउंट अभी इस पर अप्लाई नहीं हुआ है। परसेंटेज डिस्काउंट है ऑन ऑर्डर, इसको हम एड टू कार्ट करेंगे। मैं वापस देख लेता हूँ, अपने MRP शायद इस प्रोडक्ट की चेंज नहीं की है। मैं यहाँ पे जाता हूँ, स्टॉक में 1 quantity का रखी है, इसको एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाके कंपेयर में देखो यहाँ 1,20,000 डाल रखी है हमने, तो इसको हम हटाएंगे। यहाँ पे हम खाली सिर्फ MRP प्राइस रखेंगे 1,20,000, इसको सेव कर दिया। तो हमने क्या अभी कंपेयर प्राइस को हटा दिया है ताकि डिस्काउंट शो नहीं कर रहे, हम टोटल MRP प्राइस ही रखेंगे उसको। तो आप रिफ्रेश करोगे, देखो 1,20,000 पे रेट हुई, ठीक है। अभी रेट हो गई यहाँ पे ना, आप चेकआउट पे जाओगे, पहले हमने क्लिक कर रखा था क्वांटिटी दो, तो हम क्वांटिटी एक कर देंगे, ठीक है। अब क्वांटिटी जब एक कर दी हमने, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका प्राइस आ रहा है 1,20,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे देखो फ्लैट 70% जो ऑफ हमने वहां डाला था, तो ये ऑटोमेटिक ये ऑफ ले रहा है चेकआउट, ठीक है। तो ये जो हमने डिस्काउंट कोड क्या डाला है पर्टिकुलर, है ना, जो भी प्रोडक्ट्स है उनके जब वो चेकआउट पे आप जाओगे व्यू कार्ट में, तो वहां पे ऑटोमेटिक इसका डिस्काउंट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें किस तरीके का डिस्काउंट दे रहे हो, अमाउंट ऑफ ऑर्डर, ये वाला हमने ऑर्डर लिया था, ठीक है। तो आप कोई और भी इस पे सेलेक्ट करके देख लो, डिलीट किया, और कोई हम सर्विसेज पे जाते हैं, ये वाली सर्विसेज है, ये 4,000 की, इसको एड टू कार्ट किया, एड टू कार्ट में हमने व्यू चेकआउट किया, व्यू चेकआउट पे देखो आप 4,000 का था, सारे जितने भी आपके प्रोडक्ट है उनमें हमने लगा दिया है। तो ये देखो 4,000 की हमने प्राइस डाल रखी है, वहां पे 4,000 दिखा रहा है, बट जब कस्टमर यहाँ पे आएगा एड टू कार्ट में, तो एड टू कार्ट में आते ही उसको, है ना, यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा 70%, या लिखा हुआ आ रहा है फ्लैट 70% ऑफ, तो कितना रुपए का ऑफ हो गया, 2,799.30 रुपए, और अपने को डिस्काउंट हो गया प्राइस में। अब जब वो कस्टमर चेकआउट पे आएगा, ठीक है, चेकआउट पे आने के बाद उसको डिस्काउंट कोड, अगर आप एक और डिस्काउंट कोड दोगे, आपका जो भी डिस्काउंट कोड बना रखा है HRV20, तब वो यहाँ कोड डालेगा, तब उसको डिस्काउंट होगा, एक्स्ट्रा और डिस्काउंट हो जाएगा, और डबल डिस्काउंट हो जाएगा। अब हम इसको डाल के देख लेते हैं, HRV20 जो है, HRV20 क्यों हमने उसको कंबाइन कर रखा है, HRV20 does not valid on this item to cart। अभी क्यों नहीं इसमें ऐड हो रहा है, आप इसके कोड पे जाओगे, स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, नो मिनिमम, ठीक है। अब जब कंबाइंड पे आओगे, तो आपने कंबाइंड नहीं कर रखा है, इसको कंबाइंड नहीं कर रखा है, तो आपको एक ही डिस्काउंट कोड लगेगा, ठीक
ठीक है। तो आपको ये चीज हमेशा रखनी है कि दो डिस्काउंट कोड कभी भी कहीं नहीं लगते। आप किसी भी अमेजोन पे भी शॉपिंग करते हो तो क्या होता है, एक कोई भी डिस्काउंट कोड लगेगा, या तो आपको क्रेडिट कार्ड से आप परचेस कर रहे हो तो उसका डिस्काउंट कोड अप्लाई हो जाएगा, या फिर अगर आप है ना ईएमआई से कोई डिस्काउंट ले रहे हो तो वो होगा, या फिर ऑलरेडी आपको अमेजोन ने कोई ईमेल करके डिस्काउंट कोड दिया है। तो तीनों में से एक ही अगर डिस्काउंट कोड अप्लाई होता है, इसलिए कभी भी हमको कंबाइंड डिस्काउंट कोड से उसको अप्लाई नहीं करना, नहीं तो कस्टमर को डबल बेनिफिट मिल जाएगा और अगर आपका प्राइस कैलकुलेशन सही नहीं है तो आपकी जो वैल्यू है उसका प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, आप लॉस में चले जाओगे। इसलिए आपको जो भी डिस्काउंट चलाना है वो किसी एक तरीके का डिस्काउंट चलाना है, ठीक है। तो आप जैसे ना हमने 70% वाला डिस्काउंट कोड एक्टिव किया था, वो सब प्रोडक्ट पे हो गया है कि एड टू कार्ट पे जाओगे डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला डिस्काउंट कोड नहीं रखना है, तो आपको जब भी डिलीट करना है तो ये देखो पब्लिश टू सेल्स चैनल्स, अगर आपका किसी स्पेसिफिक एक ही सेल्स चैनल पे है, सब पे आपको पब्लिश करना है तो आपको यहाँ से पब्लिश करना है, ठीक है। फिर अनपब्लिश करना है किसी सेल्स चैनल से सारे से, तो यहाँ से अनपब्लिश कर सकते हो। डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करोगे, डिलीट किया आपका जो डिस्काउंट कोड है वो डिलीट हो गया। अब उस डिस्काउंट कोड को आप वापस से आपकी वेबसाइट पे बैक जाते हो, अब आप लाइव वेबसाइट पे वापस चेक करोगे कि ये डिस्काउंट कोड आ रहा है क्या, तो आप बैक जाओगे, इसको डिलीट करोगे, फिर से आप कोर्सेज में जाओगे, कोर्सेज में जाने के बाद में प्रोडक्ट पे गए आप, फिर ऐड टू कार्ट करोगे, ऐड टू कार्ट हो जाएगा आपका, ऐड टू कार्ट में जाओगे, अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, रिफ्रेश करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि जो भी आप सेटिंग्स करोगे उसके बाद प्रोडक्ट पेज रिफ्रेश नहीं हुआ तब तक वो लाइव नहीं दिखाएगा। डिलीट किया, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है अपना, कुछ मिनट ले सकता है ये अपडेट होने के लिए लाइव वेबसाइट पे, तो हमको वेट करना पड़ेगा कि अपडेट किया है नहीं किया है उसने। तो मैं कोर्स पे गया, कोर्स पे जाके ऐड टू कार्ट किया इसको, अभी तक ये रिफ्रेश करने पे हो नहीं रहा है। बैकएंड को भी अपने को रिफ्रेश करके देखना है कि ना ये वाला जो हमने अपडेशन डाला है ये डिस्काउंट इसमें से हटाया नहीं हटाया अभी तक। व्यू कार्ट यहां से डिलीट कर दिया इस कोर्स को, दूसरा कोर्स खोला हमने, इसको ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद पे व्यू कार्ट गए, बैठ गया। तो कुछ मिनट लगा सकता है वो अपडेट होने में, वहां से आपने डिलीट किया है तो लाइव अपडेट होने में 1 या 2 मिनट लग सकते हैं उसको अपडेट होने में, या कभी कभी 5 मिनट भी लग सकते हैं। तो आपको रीचेक करना है कि वो अपडेशन करेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मैंने ये कर दिया, वापस से हम चेकआउट पे जाएंगे, चेकआउट पे जाके हमको देखना है कि कूपन कोड अप्लाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो आप देखो यहाँ पे ना पूरी आपकी डिटेल आ गई चेकआउट पे। अब मैंने यहाँ पे HRY20 मैंने जो कोड बना रखा है वो अभी एक्टिव में, जैसे मैंने लगाया ये आ रहा है, डिस्काउंट कोड इज नॉट वैलिड ऑन दिस कार्ट। तो ये क्यों इस कार्ट पे नहीं आ रहा है इसको देखेंगे हम, क्योंकि स्पेसिफिक प्रोडक्ट का रखा है। आप स्पेसिफिक कलेक्शन करोगे, यहाँ से कलेक्शन करके ये पूरा कलेक्शन ले लिया जिसमें सारे प्रोडक्ट हो गए, आप उसको सेव कर लोगे, सेव करने के बाद में फिर से आपने चेंजेस कर दिया है, फिर से इस पेज को रिफ्रेश करना है। यहाँ देखोगे आप ऑफर डिस्काउंट प्रोडक्ट्स, तो सारे प्रोडक्ट्स पे हो गया है। अब वापस से हम इसको बैक पे जाएंगे, इसको डिलीट करके फिर से हम प्रोडक्ट को ऐड करेंगे, प्रोडक्ट पे गए, ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट करने के बाद व्यू कार्ट, व्यू कार्ट पे जो प्राइस है वो ही आ रही है, हमने इस पे ऑलरेडी डिस्काउंट अभी ऑफर कर रखा है सेल का। ये ऑफर कहाँ से आ रहा है, हम प्रोडक्ट पे जाएंगे, ये लर्न कंप्यूटर वाला, लर्न कंप्यूटर पे जाके आप नीचे जब प्राइसिंग पे जाओगे, यहाँ से एडिट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपने प्राइस डाल रखी है 10,000 और 2,999 की इसकी सेलिंग प्राइस कर रखी है, ठीक है। और दूसरा जो आपका प्रोडक्ट है इसी के अंदर दूसरी कैटेगरी डाल रखी है 20,000 और 2,999 डाल रखी है, कंप्यूटर कोर्स ये वाला हमने खोल रहा है वेब डिजाइन का, दो दो बनाए हुए हैं इसमें। दो प्राइसिंग कहाँ से आ रही है, कंप्यूटर कोर्स 15 डेज,
2999 का है, कंप्यूटर कोर्स 15 डेज, और ऑन डिमांड है ये वाला, इसकी प्राइसिंग भी नहीं अपडेट हुई है इस पर। टू ट्रिपल नाइन या कंपेयर प्राइस में जाने पे यहाँ पे प्राइस को शो कर रहा है कंपेयर प्राइस। तो हम कभी भी कोई प्रोडक्ट है तो उसकी पूरी प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे, प्राइसिंग वहाँ पे डिफरेंस क्यों दे रहा है ना। वहाँ पे नहीं दिखा रहा लेकिन कंपेयर प्राइस में वो प्राइस दिखा रहा था कि कंपेयर प्राइस डाली हुई है, तो वहाँ डाली हुई तो कंपेयर प्राइस यहाँ पे भी दिखानी चाहिए हमको। देखो यहाँ पे 999 डाली हुई है, 2999 एडिट पे गए, यहाँ कंपेयर प्राइस आ रही है, तो ये कंपेयर प्राइस को हटाएंगे। 15 डेज सेव किया, यहाँ पे कंपेयर प्राइस है इसको हटाएंगे, सेव किया, बैक जाएंगे, शॉपिफाई की अगर कभी लाइव वेबसाइट है तो उस पर कभी कभी कोई एरर हो सकती है जिसकी वजह से भी दिखा सकता है। जैसे अभी प्राइस पूरी बता रहा है लेकिन फिर भी सेल बटन दिखा रहा है, तो सेल बटन क्यों दिखा रहा है, वो कुछ एरर है, सेल बटन चला गया है ना, क्योंकि वो प्राइस को भी लाइव नहीं दिखा रहा था जो कंपेयर प्राइस डाली थी। ठीक है, अब हम इसको पहले कार्ट जो हमारा है उसमें से जो डाला हुआ है उसको रिमूव करेंगे, फिर से हम कोई भी प्रोडक्ट पे जाएंगे। प्रोडक्ट के जाने के बाद हमने कोई भी कोर्स खोल लिया, कोर्स खोलने के बाद में हमने उसको ऐड टू कार्ट किया, ऐड टू कार्ट में व्यू कार्ट पे जाएंगे, व्यू कार्ट पे हमने इसकी कंपेयर प्राइस डाली हुई है 7,500 और डिस्काउंट करके ये प्राइस हो रही है। फिर हम चेकआउट पे जाएंगे, चेकआउट पे जाएंगे या अप्लाई, देखो अप्लाई कोड कर रखा है, इसकी प्राइस कम होगी, आप अप्लाई डिस्काउंट हटाओ, 8,173 रुपये प्राइस आ रही है। लेकिन आप यहाँ पे आप जो भी कूपन आपने एक्टिव कर रखे उसको लगा के आपको पहले टेस्टिंग करना है कि वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 6,500 हुई। अब आप सेकंड आपने कूपन और क्या बना रखा है इसके अंदर डिस्काउंट के अंदर, फ्लैट 50% ऑफ का, ठीक है, तो इसका कूपन कोड भी आप कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट करके ट्राई करके देखो डिस्काउंट हो रहा नहीं हो रहा है, तो ये डिस्काउंट नहीं हो रहा है। अब ये डिस्काउंट क्यों नहीं हो रहा है उसका रीजन क्या है, वैल्यू के अंदर हमने अप्लाई टू क्या कर रखा है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इसलिए वो अप्लाई नहीं हो रहा है। आप ऑल कलेक्शन करोगे तब भी अप्लाई नहीं होगा, उसके बाद भी आपको ब्राउजर पे जाके आपका कलेक्शन जो है उसको ऐड करना पड़ेगा, आप ऐड करोगे तभी वो एक्टिव में जाएगा। जब एक्टिव हो गया, सेव होने के बाद में फिर से आप बैक पे जाओ, यहाँ से आपका पेज जो है इसको रिलोड कर दो, रिफ्रेश करने के बाद में आपका जो कार्ट पेज है इसको भी रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश करने के बाद आप कोड जो है उसको अप्लाई करो, अप्लाई हो गया, 4,086 प्राइस आ रही है। आप उसको रिमूव करके भी देख लो प्राइस करेक्ट हो रही है नहीं हो रही है, 8,100, 7,500 का कोर्स है प्लस टैक्सेस करके 8,173 हो रहे, और कोड लगाने के बाद में कोड वर्क कर रहा है। तो आपको ये टेस्टिंग करनी है कि जब भी आप कोई डिस्काउंट कोड लगा रहे हो तो डिस्काउंट कोड काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कितनी देर में एक्टिव हुआ है, एक्टिव होने के बाद में, और आप इस डिस्काउंट कोड का जब टेस्टिंग कर लोगे 2-3 बार लगा के, बार बार अलग अलग प्रोडक्ट पे लगा के आप टेस्टिंग कर लोगे कि ये परफेक्टली काम कर रहा है, उसके बाद ही आपको है ना कोई भी डिस्काउंट रन कर रहे हो आप तो उसके प्रमोशन ऑफर या आप जो भी इमेज कर रहे हो कस्टमर्स को तो उसके बाद ही आपको रन करना है, टेस्टिंग के बिना किसी भी तरीके का इसमें काम नहीं करना है। इस तरीके से क्रिएट डिस्काउंट कोड करोगे, XYZ में जाओगे, उसमें भी सेम प्रोसेस है, बाई एक्स गेट वाई, ठीक है, डिस्काउंट कोड, हाँ तो हम ऑफर दे रहे हैं बाई वन गेट थ्री फ्री, ठीक है, तो डिस्काउंट कोड कभी भी बनाएंगे ना अपन तो कंटिन्यू में बनाया जाता है, ठीक है, तो इसको आप हटा दो भली, बाई वन गेट थ्री, इसको कॉपी कर लिया आपने ताकि आप वहाँ पे पेस्ट कर सको यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे डालोगे मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, ठीक है, कि कितनी मिनिमम क्वांटिटी रखनी है, या फिर मिनिमम परचेज अमाउंट, तो अमाउंट से भी कर सकते हो आप, कस्टमर स्पेंड का कि कितना अमाउंट करेगा तो ये ना वो डिस्काउंट कूपन अप्लाई होगा, तो मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आइटम कर रहे हो तो आप क्या करोगे, 1 क्वांटिटी, ठीक है। फिर स्पेसिफिक प्रोडक्ट करना है या स्पेसिफिक कलेक्शन, तो कलेक्शन कर रहे हो तो वापस वही प्रोसेस है, कलेक्शन ऐड कर दिया, मिनिमम 1 क्वांटिटी परचेज करेगा इसमें से, कलेक्शन में से, ठीक है। कस्टमर गेट कितना गेट करेगा वो, 3, कोई भी 3 चीज उसमें गेट 3 हो जाएगा, ठीक है। अब वो भी क्या करना है, स्पेसिफिक कलेक्शन करना है या प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट का कर रहे हो कि इस प्रोडक्ट के साथ मेरे को ये तीन प्रोडक्ट फ्री देने हैं, तो वो कलेक्शन ऐड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ गए, आप इसको भी कर दिया ऑल, ठीक है। ये करने के बाद दोनों हो गए, फिर परसेंटेज, परसेंटेज देना है, फ्री देना है, एट ए डिस्काउंट वैल्यू। तो आप क्या डिस्काउंट वैल्यू पे दे रहे हो, परसेंटेज पे दोगे या फिर फ्री दोगे उसको? तो आप फ्री कर रहे हो, ठीक है। एक एक के साथ क्या कर रहे हो कि एक के साथ तीन फ्री दे रहे हो, लेकिन एक के साथ तीन अगर कोई परचेज करता है लेकिन उस पर डिस्काउंट हो, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट देना है उसको, डिस्काउंट कितना देना। जैसे होता है ना कि बाय वन गेट थ्री, बट वो गेट थ्री फ्री नहीं है, उन थ्री पे डिस्काउंट है ना, उन थ्री पे आपको डिस्काउंट हो जाएगा। तो डिस्काउंट देना है तो 50%, फ्री देना है तो फ्री दे रहे हो, तीन आइटम फ्री दे रहे हो। सेट ए मैक्सिमम नंबर ऑफ यूजर पर ऑर्डर, ठीक है। तो आपको अगर कोई यूजर्स को है ना नंबर ऑफ ऑर्डर्स का देना है, कितने ऑर्डर्स वो कर सकता है। जैसे एक के साथ तीन खरीद रहा है तो वो पांच ऑर्डर्स कर सकता है, 10 ऑर्डर कर सकता है, 20 बार ऑर्डर कर सकता है। तो आपको मिनिमम देना है तो उसको सेट करना है। हमको अगर देना है कि वो अनलिमिटेड यूज करे, कि एक के साथ तीन प्रोडक्ट परचेज करता जाए, तो उसको यहाँ पे चेकबॉक्स सेलेक्ट नहीं करना है। फिर आपको ऑल कस्टमर को देना है, तो ऑल कस्टमर आ गया। फिर मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस, जो सबके अंदर थे डिस्काउंट के, वही फॉर्मेट है ज्यादातर, ठीक है। मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस क्या देने, तो कितने को यूजेस देने, लिमिट टू वन यूज पर कस्टमर, मतलब एक कस्टमर को एक ही देना है कि एक बार एक प्रोडक्ट खरीद के और तीन फ्री ले लिए, तो उसके बाद उसको ये प्रोडक्ट वापस नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर वो, अब कस्टमर का भी स्मार्ट माइंड होता है, अगर एक आपके नाम से खरीद लिया फिर उसके पास दूसरी मेल आपके नाम की, तो उससे रजिस्टर करेगा, उससे भी वो डिस्काउंट ले सकता है ना। तो इस तरीके तो वो कर सकते हैं कस्टमर, लेकिन ज्यादातर कस्टमर ऐसे ही करते हैं कि एक ही से यूजर बना रखा है, उसी से परचेज करते हैं, ठीक है। तो आपको लिमिट डालनी, लिमिट फिर वही कंबाइंड का आ गया। आपको किसी और डिस्काउंट कोड से कंबाइंड करना है क्या, अदर प्रोडक्ट डिस्काउंट जो भी चल रहे हैं उसके साथ में ये देना है क्या? तो जैसे किसी प्रोडक्ट के ऊपर 50% ऑलरेडी चल रहे हैं, उसके साथ आपको नहीं देना है तो इसको अनचेक रखो, ठीक है। अगर आपको उसमें भी डिस्काउंट देना है, वो ऑलरेडी 50% दे रहे हो फिर भी डिस्काउंट दे रहे हो उसमें, कि एक के साथ वो भी तीन खरीद ले, तो वो डबल ऑफर कहीं कभी नहीं देना है। इसलिए कंबाइंड कॉम्बिनेशन को आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। फिर आपका जो भी एक्टिव डेट है आप उसको रखोगे, जो भी एक्टिव डेट रखनी है, सेट एंड डेट रखनी है तो एंड डेट रख सकते हो। ऊपर आओगे, आपने जितना भी समरी चूज किया है वो सारी डिटेल आ जाएगी। पॉइंट ऑफ सेल को आपको सेलेक्ट करके रखना है और सेव पे क्लिक करना है। तो आप बैक आके देखोगे, एक और आपका एक्टिव है, बाय वन गेट थ्री आपका जो फ्री वाला कोड है वो एक्टिव हो गया है, ठीक है। इसी को हम आगे कैसे अपडेट करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, कि इसको कैसे कैसे आगे, दो उसमें और कैटेगरी है आप देखोगे, क्रिएट डिस्काउंट में फ्री शिपिंग वाला, तो इसको फ्री शिपिंग वाले प्रोडक्ट्स में हम लोग कैसे फ्री शिपिंग देंगे, अगर प्राइजेस है तो प्राइजेस लेनी है, फ्री शिपिंग है तो फ्री शिपिंग कैसे देनी है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम कवर करेंगे।